नाउ क्वेश्चन नंबर 31। इस क्वेश्चन में टू करंट कैरिंग वायर गिवन है, एक वायर ए ओ बी है, दूसरा वायर है सी ओ डी। दोनों वायर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो पी है, इन दोनों वायर के पेन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पर है। एज्यूम किया कि डिस्टेंस डी यहां पर है, साथ ही हमने यह भी एज्यूम किया इसमें करंट आई वन अलोंग एक्स एक्सिस, करंट आई टू अलोंग वाई एक्सिस है। पॉइंट पी अगर यहां पर हम एज्यूम करते हैं तो उस पॉइंट पर करंट आई वन की वजह से अगर डायरेक्शन फाइंड करते हैं हम, तो यूजिंग राइट हैंड पाम रूल डायरेक्शन ऑफ करंट में थंब किया हमने, पाम को ऐसे ओपन किया तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड डाउनवर्ड आता है। इट मीन्स अगर एक्स वाई के अकॉर्डिंग देखें हम तो माइनस वाई डायरेक्शन में आता है, तो बी वन ऐसे लिखेंगे हम, बी नॉट आई वन अपॉन टू पाई डी माइनस जे के। दोनों ही वायर लॉन्ग वायर हैं, लॉन्ग वायर इट मीन्स इनको हम इन्फाइनेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर कंसिडर कर सकते हैं, और हम जानते हैं इन्फाइनेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई डी। तो मैग्नीट्यूड हमने लिखा है इस वायर वन के लिए म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई डी, एंड डायरेक्शन यहां पर मेंशन कर दिया है। इसी तरह से वायर टू के लिए चेक करते हैं, वायर टू भी वही सेम इन्फाइनेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, उसका मैग्नीट्यूड लिख दिया हमने म्यू नॉट आई टू अपॉन टू पाई डी, डी इज द डिस्टेंस ऑफ वायर फ्रॉम पॉइंट पी, म्यू नॉट आई टू अपॉन टू पाई डी एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए थंब डायरेक्शन ऑफ करंट में, और जहां ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसकी ओर फिंगर जाएगी, तो इस डायरेक्शन में ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा प्लस आई कैप। दोनों को चेक करने से पता लग रहा है कि दोनों फील्ड का डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, बी वन परपेंडिकुलर टू बी टू। रिजल्टेंट फाइंड करना हमें, बी नेट इक्वल रूट बी वन स्क्वायर बी टू स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड पुट किया और सोल्व करने पर आंसर 4 आ जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। एज वी नो व्हेन अ कंडक्टिंग रोड स्टेट कंडक्टिंग रोड मूव्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू गिवन डायग्राम, इट मीन्स बी वी एल तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन इस कंडीशन में रोड के एंड्स के क्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू बी वी एल लिखते हैं, जहां पर बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, वी इसका वेलोसिटी है, एल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द एंड्स। दूसरा केस है रोड अगर स्टेट नहीं है, कर्व फॉर्म में है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसका वेलोसिटी वी है, डायग्राम अकॉर्डिंग उसका मोशन हो रहा है, तो हम जानते हैं कि इस रोड के मूव करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पर अवेलेबल होगा बोर्ड के पेन के परपेंडिकुलर फ्लक्स कटिंग होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। इस रोड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा, उनका शिफ्टिंग होगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस को अगर फाइंड करना चाहे हम तो वही सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, जहां पर एल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एंड्स होता है, तो यहां पर भी दोनों रोड जो ये रोड है इसके दोनों एंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे हम, तो दोनों एंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट है 2r, तो बी वी 2r, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एंड फील्ड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इसको यहां पर यूज करेंगे बी वी 2r। दूसरी बात आती है कि कौन सा हाई पोटेंशियल है कौन सा लो पोटेंशियल एंड है, ये फाइंड करना चाहते हैं। इस रोड के अंदर इस आर्क के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंडक्टिंग रोड होने की वजह से ये नीचे की ओर गिर रही है। कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अगर कंसिडर करें हम, एज्यूम करें कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से नीचे मूव कर रहा है, गिर रहा है फ्रीली, जैसे कि डायग्राम बना दिया हमने, उस पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स चेक करते हैं, वेलोसिटी ऐसे लिया है, मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है तो यूजिंग दिस रिलेशन एफ एम इक्वल टू प्लस माइनस क्यू वी क्रॉस बी, मैग्नेटिक फोर्स और मूविंग चार्ज कंसेप्ट से रिलेशन हम जानते हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स जो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है उस पर अप्लाई होगा, उससे इलेक्ट्रॉन पी पॉइंट की ओर शिफ्ट होगा। इट मीन्स यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन कंसिडर करें तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इधर शिफ्ट होना चाहिए, नेट शिफ्टिंग उसका इस डायरेक्शन में होगा, तो इलेक्ट्रॉन ओवरऑल इधर शिफ्ट होने की वजह से फाइनली मूव ऐसे करें, लेकिन ओवरऑल शिफ्ट ऐसे होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आएंगे, तो पी वाला एंड नेगेटिव हो जाएगा और आर वाला एंड पॉजिटिव। इट मीन्स ये लो पोटेंशियल बन जाएगा और ये हाई पोटेंशियल बन जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर आता है, आंसर नंबर 4 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 में सबसे मेन जो पॉइंट है कि
इसकी एफिशिएंसी हमें गिवन है 90%। इट मींस ये ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर कंसीडर नहीं किया गया है, इसमें पावर लॉस है कुछ न कुछ, उसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी लेस देन 100% है। तो अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी वाला रिलेशन यूज करेंगे इसमें हम आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट पावर कैसे लिख सकते हैं हम, देन जो वैल्यूज हमें गिवन है उनको हमने सीधा पुट किया, पुट करने के बाद हमें सेकेंडरी का जो वोल्टेज है 450 वोल्ट मिल जाता है। इसी तरह से हमें प्राइमरी में करंट फाइंड करना है तो इनपुट पावर का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है जो कि 3 किलोवाट है। ट्रांसफार्मर के लिए बोला है कि वर्किंग ऑन 200 वोल्ट एंड 3 किलोवाट पावर सप्लाई, इट मीन्स ये इसके लिए इनपुट है। तो इनपुट पावर हमारे पास अवेलेबल है, इस रिलेशन को यूज करते हुए हम इनपुट जो करंट है उसको फाइंड कर लेंगे। इनपुट करंट मिल गया हमें, इस तरह से इसका जो फाइनल आंसर आ जाता है वो है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 34 मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है जिसमें फोर्स कैलकुलेट करने को बोला गया है। सरफेस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, उसकी इंटेंसिटी गिवन है और परफेक्ट रिफ्लेक्टर सरफेस है। तो परफेक्ट रिफ्लेक्टर सरफेस में फोर्स होता है ट्वाइस ऑफ पावर अपॉन सी, बट पावर इज नॉट गिवन, सो पावर को हम इंटेंसिटी एरिया से रिप्लेस कर देंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करने पर आंसर आता है इसका 1.25 × 10⁻⁶ न्यूटन। दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन आंसर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 इज रिलेटेड टू सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, जिसे फ्राउनहोफर्स एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। एंड इन दिस क्वेश्चन जो सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड में डार्क फ्रिंजेस का फॉर्मेशन होता है। दिस वन इज द फर्स्ट डार्क फ्रिंज एंड दिस इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। दिस इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विच इज गिवन बाय दिस फार्मूला 2λd/A एंड द वैल्यू ऑफ लैमडा मीन्स वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन एंड विड्थ ऑफ स्लिट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड बाय सॉल्विंग दिस यू कैन सिंपली फाइंड द आंसर एंड दैट इज 2.4 मिलीमीटर। सो राइट आंसर इज 4।